तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्क्वाड पबजी गेमिंग। और आज का जो वीडियो है वो उसके अंदर मैं आपको लास्ट को छोटे से पार्ट के अंदर हार्ड ड्रॉप लोकेशन का एक वीडियो दिखा दूंगा, ताकि आप लोग ये कंफर्म कर सको कि आपको हार्ड ड्रॉप वाला वीडियो चाहिए या नहीं। एनीवेज, अब यहाँ पे उतरते ही मेरे भाई को मिली शॉर्ट गन, और भाई ये तो मेरी किस्मत और उसकी किस्मत कि मेरे को UMP-45 मिली, वरना वो यहीं पर टपक नहीं वाला था। देख लो, और भाई देखते ही देखते इसको तो मार दिया, और ये बॉट इसको भी मार दिया। अब यहाँ पे मोस्टली बॉट किल्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक टीममेट जो होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे एक बंदे को देखा, उसको मैं नॉक भी कर लेता हूँ, और उसका टीममेट लेफ्ट में है। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, देखो मैं बाहर आया अंदर आया, मैं यहाँ पे वेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऊपर से मेरे टीममेट ने उसको धर दिया। यही होता है टीम वर्क, मतलब अब अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो भाई एक साथ काम करो, कोऑर्डिनेशन में काम करो, इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। मतलब आपके पास पावर ना होते हुए भी आप बहुत ज़्यादा एडवांटेज में रहते हो। एनीवेज, अब यहाँ से हम लोग स्की कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि ये वाला वीडियो के अंदर मेरे को अपलोड करने का कोई इरादा नहीं था, बस मैं ऐसे ही खेल रहा था। तो भाई इसको रिकॉर्ड कर लिया तो सोचा यही डाल देते हैं। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ते हुए हम लोग कार लेके इस टेम्पल बोलते हैं उसको, टेम्पल की शॉट चलेगा, और यहाँ पे एक बंदा मिल गया, और पता नहीं ये कौन सी दुनिया में था। और इसको नॉकआउट करने के बाद इसके टीममेट को हम लोग पीछे पड़ गए, मतलब, और यहाँ पे वो रोड साइड उस साइड था, और हम दोनों यहाँ पे पीक लेके इसलिए बैठे रहे कि वो दोनों में से किसी एक को टारगेट करेगा और बाकी उसको भर देगा। और वही हुआ, मतलब वो किसी और पे टारगेट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों ही उसके ऊपर ताक के बैठ गए थे, तो भाई कोई चारा ही नहीं था उसके पास पीक लेने के अलावा। अब यहाँ पे अब लोग उसको ट्रॉल कर रहे थे, ऑल माइक पे चिल्ला रहे थे, उसके आगे इमोट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भागने की कोशिश कर रहा था। तो भाई इसको तो हम लोग, मतलब यही समझ लो यार कि ये वाला गेम प्ले इतना ज़्यादा हम लोग अच्छे से नहीं खेल रहे थे, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। इसको भी ख़त्म कर देते, अब आगे चल के इसका टीममेट आता है इसको बचाने के लिए, यार अब उसका टीममेट उसको बचाने के लिए आता है, और वो भी इजीली किल्ड हो जाता है। देख लो यार, ना आई रहा सामने ना, एनिमीज अहेड, हां जो दरवाजा खोलो ना, एक हेड, ये मर गया। अब उसका दूसरा टीममेट, अब ये दोनों तो इजीली किल्ड हो गए। अब यहाँ पे मेरा टीममेट लूट के चक्कर में आगे निकल गया, और मैं यहाँ पीछे रह गया, और मेरे गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, और इसी वक्त वो नॉकआउट भी हो गया। और इतना मैं समझ गया कि इसको बचाने के लिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आगे चल के बदला भी ले लेते हैं। अब मैं आया, और MK का स्प्रे, यार मज़ा आ गया सच में यार, MK का स्प्रे मज़ा आता है। अब मैंने देखा कि सामने एक और एक ऑम भी चला रहा है, तो भाई सबसे पहले कवर में जाना एडवांटेज होता है। अब ये उसका टीममेट उसको बचाने के लिए ओपन से मूव ऑन करके आ रहा था, और वही उसकी गलती थी, मतलब वो उसे बचा नहीं सकता, ये बात उसको समझनी चाहिए थी, लेकिन नहीं समझा। अब ये वाला बंदा ऑम लेके बैठा था, अब पता नहीं उसको स्नाइपरिंग आती नहीं थी या क्या थी, पर वो मेरे पे स्नाइप कर ही नहीं पा रहा था।
और देखते देखते मैंने उसको भी खत्म कर दिया। मैं आगे मूव ऑन इसलिए कर रहा था ताकि मैं आगे कवर बना सकूं, ताकि उसके तक पुश कर सके। तो मैं ट्राई कर रहा था कि पेड़ के जस्ट आगे पीछे कवर बने, लेकिन भाई ये बॉल आगे जाके ही फट रहा था और कोई कवर बन ही नहीं रहा था। मैंने सोचा छोड़ो यार, क्या फ़ायदा, छोड़ दे। और फिर यहाँ पे टाइमिंग भाई, लक टाइमिंग जो बोल रहा है बोलो, बहुत गजब था। अब उसको मारने के बाद मेरे को ऑम और M249 मिली थी, तो यहाँ पे स्नाइपिंग कर लेते हैं। ये भी मर गया। अब यहाँ पे मैं जोन के थोड़ा सा बाहर गया, मतलब एज पे, और यहाँ से स्नाइपरिंग करने की कोशिश की, क्योंकि वह कोई एक्सपेक्ट नहीं करता यहाँ पे से कोई स्नाइपरिंग करेगा इस जोन में। और ये भी मर गया। अब मेरी इतनी ज़्यादा क्विक नहीं है, तो मैं यहाँ पे उसके सर रखने मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं लग रहा था, तो इसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक गलती, मतलब मैं गलत पेड़ पे रुक गया, और मतलब यही समझ लो मैं गलत पेड़ पे रुक गया और वही मेरी गलती थी। स्मोक यहाँ पे हुआ था लेकिन बंदा कहीं और था यार। कोई बात नहीं यार, होता रहता है। सैड लाइफ, कोई नहीं, फोर्थ पोजीशन तो है ही, तो वही देख लेंगे और क्या। अब आगे एक हॉट ड्रॉप वाला वीडियो है, तो भाई उसको एंजॉय करो। और अगर ये वाला वीडियो, मतलब ऐसे हॉट ड्रॉप वाले वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरे को बताओ यार, तो मैं हॉट ड्रॉप वाले वीडियो लाऊं। हाँ हेलो शु, शांति राख जे। मेरे पास 25 एमओ छे, એટલે अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक मार के जाना, सब्सक्राइब मार के जाना इस चैनल को, और मैं डेली के वीडियोस लाता रहता हूँ तो वो देखना भूलना मत। तब तक के लिए बाय बाय, और याद रखना अपने दोस्तों को शेयर करो यार, डेली वीडियोस लाता हूँ, क्या कर सकते हो।